ज़ार बॉम्बा न्यूक टेस्ट। दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम की तस्वीरें अब दुनिया के सामने आ गई हैं। रूस ने अपने इवान परमाणु बम की तस्वीरों को दुनिया के सामने जारी किया है। यह परमाणु बम हिरोशिमा के परमाणु बम से 3,333 गुना ज़्यादा ताकतवर था। करीब 6 दशक तक टॉप सीक्रेट रहे रूस के इस महाविनाशक वीडियो में सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का पूरा विवरण दिया गया है। इवान नामक इस परमाणु बम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 3,333 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान अपने ज़ार बॉम्बा डिवाइस का 30 अक्टूबर 1961 को बेरेंट सागर में परीक्षण किया था। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। रूस का यह इवान परमाणु बम का विस्फोट दुनिया के अब तक के हुए परमाणु बम विस्फोटों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। करीब 50 मेगाटन का यह बम 5 करोड़ टन परंपरागत विस्फोटकों के बराबर की ताकत से फटा, जिसका वीडियो 20 अगस्त को रूस के रोस्तम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन के यूट्यूब चैनल पर 75 साल पूरे होने पर जारी किया गया। इस बम को उस समय बनाया गया था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। सोवियत संघ ने अमेरिका के थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को टक्कर देने के लिए इस इवान नामक परमाणु बम का निर्माण किया था। सोवियत संघ ने अमेरिका को जवाब देने के लिए मात्र 7 साल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम बना डाला। 30 अक्टूबर को इस बॉम्बर ने उड़ान भरी। बम में एक पैराशूट लगाया गया था जिससे बम धीमे धीमे धरती की ओर बढ़ा और विमान को इतना समय मिल गया कि विस्फोट की जद में नहीं आ सका। जब यह बम जमीन के 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तब उसमें विस्फोट कर दिया गया। इस महाविनाशक परमाणु बम का खौफ इतना ज़्यादा था कि कैमरों को सैकड़ों मील दूर लगाया गया था। साथ ही उन्हें लो लाइट पोजीशन में रखा गया था ताकि वे परमाणु विस्फोट की चमक से अंधे ना हो जाएं। इन शक्तिशाली कैमरों ने करीब 40 सेकंड तक आग के गोले का वीडियो बनाया और उसके बाद यह मशरूम के बादल के रूप में बदल गया और करीब 2,13,000 फुट की ऊंचाई तक गया। यह विस्फोट इतना भयानक था कि इसे इंसान की ओर से किया गया सबसे बड़ा धमाका कहा गया। अगर इस बम को दिल्ली जैसे किसी शहर में गिराया जाता तो पूरा शहर ही राख के ढेर में बदल जाता। दिल्ली में रहने वाले ज़्यादातर लोग बुरी तरह से जल जाते। इस विस्फोट से रिएक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता का भूकंप आता और इसे दुनिया भर में महसूस किया जाता। इस विस्फोट को पाकिस्तान तक देखा जाता। इस विस्फोट के बाद अमेरिका और रूस ने 1963 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद दोनों देशों ने हवा में परमाणु बम के परीक्षण पर रोक लगा दी। बाद में दोनों देशों ने जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण शुरू किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।